हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो आपके अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तक जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है, बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि सर इस टॉपिक पे बनाए। बहुत सारा अलग अलग टॉपिक आया है, मैं आपसे मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जो भी मेरा अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए, किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए वो बताइए। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो है लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। ये दोनों इंडिकेटर हमारे परफॉर्मेंस को शो करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को शो करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लीडिंग और लैगिंग, जैसे कि एक थंब रूल है, किसी भी क्वेश्चन को अगर 10 टाइम आप अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। ये थंब रूल है, किसी भी क्वेश्चन को अगर 10 बार आप रिपीट करते हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। जैसे कि लीडिंग, लीडिंग आप 10 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो जो चीजें हमें सही डायरेक्शन की तरफ दिखाती है, या जो हमारा गोल है, जो एम है, उसको अचीव करने के रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग मतलब जो आगे की तरफ ले जा रहा है, इंडिकेट मतलब संकेत करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, कितने ट्रेनिंग हम दे पा रहे हैं। ट्रेनिंग देने से क्या होता है कि हमारा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है। ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो क्या होता है, वो इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज गुड साइन। लीडिंग आप बोल सकते हो कि गुड साइन के तरफ जाता है। ठीक है, वो गुड एक साइन दिखाता है, उसे हम बोलते हैं लीडिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक हमारा क्या होता है, गुड साइन। ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं तो क्या होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। कोई भी अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक हमारा लीडिंग इंडिकेटर होता है। ओके, अगर किसी के तरफ से कोई सजेशन आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव साइन है। अगर कोई सजेशन आ रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि कुछ इंप्लीमेंटेशन कराना चाहता है, कुछ और भी इंप्रूवमेंट कराना चाहता है, तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। फिर इसमें आता है नियर मिस हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। नियर मिस को गलत अर्थ में नहीं लेने का, क्योंकि जो हमारा ट्रेंगल बोलता है, ठीक है, अगर 600 नियर मिस हम अगर रिपोर्ट कर देते हैं, नियर मिस अगर रिपोर्टिंग हो रहा है और उसका कापा हो जा रहा है सी, उसका हम कापा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फैटल एक्सीडेंट हम बचा सकते हैं। ये ट्रेंगल बताता है नियर मिस का कि अगर 600 नियर मिस रिपोर्ट होता है और एक हम उसका कापा कर पा रहे हैं तो क्या होगा, एक हम फैटल एक्सीडेंट बचा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये नियर मिस लीडिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसके बाद हम सी एस आर, जो भी सी एस आर करते हैं ये लीडिंग इंडिकेटर है। जो भी सी एस आर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अगर हम कहीं समाज में या वर्कर के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे वर्कर, इसमें एक और पार्ट आता है वर्कर मोटिवेशनल प्रोग्राम। मान लीजिए वर्कर को कोई हम गिफ्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई मोटिवेशनल उनको हम दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। ओके, कोई ना कोई अगर हम फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, कोई मान लीजिए एक सेफ्टी डे होता है, सेफ्टी डे अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम
उनके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। तो क्या होता है, ये लीडिंग इंडिकेटर है, जॉब रोटेशन एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो जो हमारे पॉजिटिव पॉजिटिविटी को शो करता है, जो हमारी चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ शो करता है, वो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे कि एक इसमें आता है काइजन, जो जेपनीज वर्ड है काइजन, किसी चीज को नया इंप्लीमेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड काइजन, वो होता है आपको लीडिंग इंडिकेटर। और काइजन हम कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर। हम एक 5S सिस्टम को अगर इंप्लीमेंट करते हैं अपने साइट पे, ठीक है, वो होता है लीडिंग इंडिकेटर। TPI या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हम प्रोएक्टिव कर रहे हैं तो होता है हमारा लीडिंग इंडिकेटर। तो जो भी हमें पॉजिटिविटी की तरफ या गुड साइन हमको दिखाता है कि हम अच्छे चीजों की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, अब हम आते हैं लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर फिर जैसे कि थंब रूल है 10 टाइम अगर हम इसको रिपीट कर रहे हैं तो हमारा वो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आएगा। तो लैगिंग अगर हम 10 बार बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि ये हम इसमें यहां पे ये शब्द का यूज नहीं करेंगे, गलत कुछ नहीं होता है। उसमें होता है एरिया टू इंप्रूवमेंट, उसे हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। कोई चीजें अगर कुछ हो रही हैं तो गलत नहीं होती, वो एक रिएक्शन होता है, वो गलत नहीं होता है, रिएक्शन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई फर्स्ट एड केस हो गया, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन क्या है कि काम अगर कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है, काम के दौरान हो सकता है कि चोट लग जाए। ठीक है, कोई भी MTC है, MTC का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रीटमेंट केस, ऐसा तो नहीं है कि MTC होगा ही नहीं, लेकिन काम के करने के दौरान कुछ हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गया हो, उसकी वजह से MTC हो गया, तो हमारा क्या बोलते हैं, उसको हम गलत नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं एरिया टू इंप्रूवमेंट। जिस एरिया में हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, जिस एरिया में हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। ओके, एग्जांपल फर्स्ट एड केस MTC, फर्स्ट एड जैसे कि मैंने लिखा था फर्स्ट एड, ठीक है, MTC, LTI, ठीक है, आप उसके बाद जो भी टेम्पररी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट, आप फैटेलिटी, डिजास्टर, प्रॉपर्टी लॉस, ये सारे हमारे आते हैं लैगिंग इंडिकेटर में। जितने भी ये चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। इसको हमको क्या करना है, इस एरिया में हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए ये है लैगिंग इंडिकेटर। तो अब इसके बीच में आपको अंतर मुझे आसानी से जो समझाने में मैं प्रयास किया हूं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दूसरे वीडियो में आपको समझा पाऊं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।